दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आज तक आपने रक्तचंदन के बारे में काफी सुना होगा, क्योंकि इसकी लकड़ी काफी महंगी होती है। पुष्पा फिल्म में इस लकड़ी की कहानी को ही दिखाया गया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने से भी ज्यादा महंगी है, और इसे देवताओं की लकड़ी कहा जाता है। ये लकड़ी आसानी से नहीं मिलती है। कहा तो यहाँ जाता है कि अब ये बची ही नहीं है, काफी डिमांड में रहती है ये लकड़ी। अगर वुड लकड़ी की डिमांड काफी है, क्योंकि काफी लंबी प्रक्रिया के बाद ये लकड़ी तैयार होती है। अगर वुड की असली लकड़ी की कीमत $1,00,000 प्रति किलोग्राम तक है। यह पेड़ दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है, हालांकि अब इसकी संख्या काफी कम हो गई है। अगर आपसे कहा जाए कि एक पेड़ की लकड़ी की कीमत सोने से भी ज्यादा है, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया में एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने से काफी महंगी बिकती है। अभी आप 1 किलो सोना करीब 43 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी के लिए आपको 73,50,000 रुपए देने होंगे। यह कोई आम पेड़ नहीं है। इसका नाम है अगरवुड। अगरवुड की लकड़ी को वुड्स ऑफ द गॉड कहते हैं। इसी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। अगरवुड की असली लकड़ी की कीमत $1,00,000 करीब 73,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। यह पेड़ दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है, हालांकि अब इसकी संख्या काफी कम हो गई है। खास तरह के पेड़ के अंदर एक प्रक्रिया के बाद तैयार होता है। अगरवुड किसी पेड़ का नाम नहीं है। एक खास तरह के पेड़ में एक लंबी प्रक्रिया के बाद अगरवुड तैयार होता है। इस पेड़ को एक्वालेरिया मेलासेंसी कहा जाता है। इस वृक्ष को मूल एक प्रकार का फंगस संक्रमित करता है, या जानवर जब खाल उखाड़ देते हैं ना, तब इसमें एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे फाइलोफोरा पैरासिटिका कहते हैं। पेड़ के अंदर एक डार्क कलर का हिस्सा बन जाता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। फाइलोफोरा पैरासिटिका की प्रक्रिया के बाद एक्वालेरिया के पेड़ में अगरवुड की में लकड़ी तैयार होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े मकोड़े और चिट्टियों के लार से जब पेड़ का हिस्सा खराब होने लगता है, पेड़ अपने रस से अपने जख्मों को भरता है। लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती है तो पेड़ का भीतरी हिस्सा अगरवुड में बदल जाता है। मिडिल ईस्ट के देशों में मेहमान नवाजी के लिए होता है इस्तेमाल। जब पेड़ के भीतर अगरवुड बन जाता है, तब पेड़ को काट लिया जाता है। इसके बाद इसके हिस्से को अलग किया जाता है और गहरे रंग वाले खास हिस्से को निकाल कर अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया हाथ से होती है और इसमें कई घंटे लग जाते हैं। इसके छोटे हिस्से को धूप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिडिल ईस्ट के देशों में छोटे हिस्से को मेहमान नवाजी के लिए जलाया जाता है और कपड़ों पर परफ्यूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बने तेल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अगरवुड की खेती करने वाले कहते हैं कि इसकी धूप की सुगंध की बराबरी दुनिया को कोई सेंट नहीं कर सकता है। वे बताते हैं कि एक जलाने के बाद धीरे धीरे इसकी सुगंध मीठी होती जाती है। इसका जरा सा धुआं एक बंद कमरे को कम से कम 4-5 घंटे तक सुगंधित रख सकता है। वुड चिप से तेल भी बनाया जाता है, जिसकी कीमत $80,000 प्रति लीटर तक होती है। इसकी कीमत के कारण ही व्यापारी इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं। अब पश्चिमी के देशों में भी इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। अब वहाँ के बड़े बड़े ब्रांड इससे बने सेंट और परफ्यूम को बेच रहे हैं, जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। गंभीर खतरे की श्रेणी में है ये पेड़। अलग अलग कारणों से अब इन पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। इसे अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोष्टक गंभीर खतरे की श्रेणी में डाल दिया गया है। विशेषज्ञों ने पिछले 150 वर्षों में 80% की कमी दर्ज की है। जो बचे हुए पेड़ हैं उनमें भी प्राकृतिक फंगल इन्फेक्शन की दर काफी कम हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बचे हुए पेड़ में भी सिर्फ 2% पेड़ों में ही प्राकृतिक रूप से इन्फेक्शन होता है। जंगल में इनकी खोज करना भी एक कड़ी मेहनत है। खतरों के बीच लोग कई दिनों तक पेड़ की तलाश करते हैं, लेकिन मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। कई बार खाली हाथ लौटना पड़ा है। कृत्रिम तरीके से तैयार किया जा रहा अगरवुड पेड़ कम होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि बचे ही नहीं हैं। ऐसे में अब इसे कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है। इसके उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि प्राकृतिक अगरवुड के सामने इसकी गुणवत्ता कम होती है। प्राकृतिक अगरवुड कृत्रिम के मुकाबले 100 गुना महंगा है। कृत्रिम को आदमी तैयार करता है,
इसलिए इसकी कीमत कम है। $32 बिलियन का है व्यापार। अगरवुड की चर्चा दुनिया भर के पौराणिक किताबों में भी मिलती है। वहाँ पर इसका जिक्र एक लग्जरी उत्पाद के तौर पर किया गया है। भारतीय वेदों में भी इसका जिक्र है। इसके अलावा दुनिया के अन्य धर्मों की किताबों और इतिहास में भी इसकी चर्चा है। दुनिया भर में अभी अगरवुड का $32 बिलियन का व्यापार है। बढ़ती डिमांड ने कीमतों को ही नहीं इसके उत्पादन को बढ़ा दिया है। अनुमान है कि 2029 तक इसका व्यापार $64 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह जाने बनी रहेगी इसकी जरूरत हमेशा। इसके व्यापार से जुड़े लोग इसे एक संपत्ति की तरह बताते हैं। डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसकी मांग बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इसे अन्य देशों में तैयार किया जाने लगा है। लेकिन सेंट, धूप, ब्रेसलेट और नेकलेस से लेकर कई अन्य चीजों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इन्हीं कारणों से इसकी जरूरत बनी रहेगी। भक्तों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना और हमारे हनु एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो भेजे वह सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।